व्हाट्सअप गाइस, आज हम फिर से देखने वाले हैं मस्त मजेदार मीम्स, मोए मोए शादीशुदा मीम्स होने वाले हैं। योगी जी की थक लाइफ भी होगी मेरे हिसाब से, रिजवान अहमद सर की भी होगी, और भैया इलेक्शन आ चुके हैं तो अपना वोट सोच समझ के डालें। बाकी देखते हैं पूरी वीडियो, चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 गो। चमचों को चाहे जितना जलील कर लो, सालों की अकड़ कम ही नहीं होती। बात तो सही है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम। जय श्री राम में बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए चलचित्र में। तो हमेशा की तरह कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में प्रभु का नाम लिखें और हो सके तो कृपया वीडियो को बिना स्किप करे देखें। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहनों और उनके भाइयों, कांग्रेस 2024 में CUET नीट जैसे एग्जाम तो कर देगी, जिसे देना है दो, जिसे नहीं देना है मत दो। हम सब तो हमारा फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा? देखो उससे सबसे हमसे मतलब नहीं है, वो राज्य सरकार जाने। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उन्हें IIT AIIMS बनाएगी। अरे अगर हमने सब पैसा जनता पर लगा दिया तो हम क्या खाएंगे? राहुल बाबा को थाईलैंड ग्रिड पर कैसे भेजेंगे? और अगर सबको पढ़ा लिखा लिया तो कांग्रेस को वोट कौन करेगा? अरे जाओ, वैसे भी कौन देता है कांग्रेस को वोट? कुरैशी जी आप बताइए क्या मतलब, आप खुद मुस्लिम है, मैम बोल रही है कि ये अत्याचार कर रहे हैं, अमित शाह मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं मुस्लिमों को। भाई कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। जितना हमारे यूपी में महिला सेफ हैं उतना मैं समझता हूँ कोई सेफ नहीं। ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाली बात, भेदभाव उसके खिलाफ है कि भाई आदमी मैं मुसलमान हूँ, इंडिया में रह कर मैं कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भेदभाव यहाँ होगा, उसके लिए भेदभाव है। अगर मैं हिंदुस्तान में रहूंगा तो हिंदुस्तान का गुनगाने चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का विरोधी होना हो, हिंदू हिंदू का विरोधी है, उसको बड़ी पीड़ा है। उसको एचयू में क्या अच्छा लग रहा था? बम धमाके अच्छे लगते थे, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज अच्छे लगते थे, एम्स 1947 से 2003 तक एक बना हुआ अच्छा लगता था, आज 22 एम्स अच्छे नहीं लगते, आज IIT अच्छे नहीं लगते, आज 41 बंदे भारत ट्रेनें अच्छी नहीं लगती, आज विश्व के ऊपर जो संभव। आंटी सुन तो लो, आंटी सुनो अच्छी बात है। अंकल अंकल सब गलत है, तुम्हें पैसा दीदी, अगर महिलाओं के साथ मिसबिहेव होता है वो आप एक्सेप्ट करेंगी? अरे बताइए, गुड बाय गया। मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाह रहा था, मैं चाहता भी नहीं था पर मजबूरी थी। मैंने कल 3-4 लोगों को बहुत मारा है, उनका 2 के पैर तोड़ दिए हैं, एक का पिछवाड़ा तोड़ दिया है, और मुझे डर है कि वो लोग मुझसे बदला लेंगे, मुझे ये डर है। और अगर बदला लें तो प्लीज मेरी मदद करना, मेरे साथ रहना। और मुझे लग रहा है अटैक शुरू हो रहा है मुझ पर, अटैक शुरू हो रहा है मुझ पर, अटैक शुरू हो रहा है, अटैक शुरू हो रहा है मुझ पर, अटैक शुरू हो रहा है, अटैक शुरू हो रहा है मुझ पर, अटैक शुरू हो रहा है। भैया बदला ले लिया आप लोगों ने? ले लिया। पक्का है? तो चलो जाओ यहाँ से, बदला पूरा हो गया, बदला ले लिया ईरान ने इसराइल से, इस तरीके से। और पहली बार ऐसा किस्सा हुआ होगा कि मिसाइल दागने के बाद तुरंत आदमी यूनाइटेड नेशन भागा और कहा भैया देखिए हमारा बदला पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। इंडियन आर्मी से हूँ मैं, रिटायर्ड। आप जब आर्मी से हैं तो ये बता दीजिए पिछले 10 सालों में आर्मी में कितना परिवर्तन, कितनी मजबूत हुई, कितनी? पिछले 10 सालों में जो काम हुआ वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान की सही बात कर रहा हूँ। और उन नमक हरामों ने देश को बेच दिया था 70 सालों में, जो 10 साल में मोदी जी ने जिंदा कर दिया है। विदेश के जितना राष्ट्राध्यक्ष है अपने देश के मान सम्मान और सम्मानित किया है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी भी नहीं। अरे वो तो बहुत देश के बंटवारे में 71 में हमने जीता पाकिस्तान दे दिया, उसने ननकाना साहब वगैरह सब चला गया, टेबल पर बैठ कर खेल देगा भुट्टो। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं क्या है वो? कुछ नहीं है, वो तो देश को बेच खाया उसने इटली में पूरा दम, वो क्या बात करेंगे? कह रहे कि चाइना अंदर घुस रहा है भारत में, कुछ नहीं, झूठ बोलता है। जिसको अपनी जमीन की पता नहीं कि आलू ऊपर पैदा होता कि ऊपर पेड़ पैदा होता है, वो क्या जानेगा? और मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, वो क्या भाग गया है यहाँ से? जितने लुटेरे हैं सब लुटेरे इकट्ठे हो गए और अपने जेल जाने से बचने के लिए लुटेरे इकट्ठे हैं और ये सफल नहीं हो सकते। जैसे अब मोदी जी हर त्योहार पे फौजियों से मिलते हैं, फौजियों के साथ अपना त्योहार मनाते हैं। नहीं, वो तो भगवान ने उनको भेज दिया यहाँ इसको सुधारने के लिए, देश को सुधार दिया पूरा देश, सुधार नहीं देंगे और भी सुधार देंगे, वर्ल्ड पहुँचा दिया चांद पे, अभी और सूरज पे पहुँचेंगे। कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शाहजादे ने
अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। शहजादे, कांग्रेस के शहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा, एक झटके से। ये बोला था ना, ये तो भाषण है। हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। वेरी गुड। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? स्कूल आप हैरान हो गए नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? कर रहे हैं कुछ लोग। देश पूछ रहा है आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी, 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? ये बहुत बढ़िया। मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? सच में मजाक है। ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? इनका क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। एक बार गलती की थी तो 10 साल के लिए बिना आवाज वाला प्रधानमंत्री मिला था। इस बार गलती करोगे तो बिना दिमाग वाला प्रधानमंत्री मिलेगा। चमचो भैया, अच्छी बात बोली। अच्छी बात तो बोली। आपको अच्छी लगी? तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, थोड़ा सा मार दीजिए। मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो साथियों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मतलब जो वो थे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो मतलब इंटेलिजेंट तो कोई बहुत थे सच में है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें करने नहीं दिया काम उस तरीके से। हाँ, एक मूवी भी आई थी याद है? वो जो बनाई थी, मतलब मुझे ये था कि करना तो बहुत कुछ है पर वो था कि कहते ना रोका बैक एंड से। हाँ, लेकिन ये मोदी जी का ये वाला जो भाषण है भाई, ये मैंने पहली बार सुना, लेकिन आप समझ रहे हो ये मस्ती में बहुत सही बात भी कि ऐसे बोलते हैं। अब ये बताइए, ये तो कोई मतलब ये तो बहुत ही बेसलेस है जो ये दिया था ना, चुटकी में कर देंगे। तभी तो मैं कहता हूँ कि लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। यहाँ मुझे क्या क्वालिटी दिखती है? एक तो हवाबाजी वाले स्टंट कर देना, दूसरा कुछ भी हो जाए इंडिया की, वो क्या बोलते हैं, वो इंडिया की चुगली सी करने पहुंच जाएंगे बाहर बैठ के अमेरिका में। आपको इस बारे में क्या कुछ कहना दोस्तों, जरूर बताइएगा। बाकी वो अंकल ने बहुत बढ़िया बोला कि भैया देश मजबूत हुआ है, देश की सेनाएं मजबूत हुई है, देश का युवा मजबूत हो रहा है, एजुकेटेड हो रहा है, समझ रहे हैं कल्चर को भी, समझ रहे हैं रिलीजन्स को भी, समझ रहे हैं और देश की वो चीज़ भी समझ पा रहे हैं कि क्या एक पहचान होती है एक देश की, क्या अपना एक स्टैंड होता है और किस तरीके से मिलकर रहना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो वीडियोस के थ्रू भी और कुछ लोग हैं जो भाषण के थ्रू भी सोच रहे हैं कि इस देश को मैनिपुलेट करा जा सके। तो मैनिपुलेट वही हो रहे हैं जो ऑलरेडी मैनिपुलेट भी नहीं हो रहे, बस उनका साथ वही दे रहे जिनका माइंड सेट पहले से ही उनको वोट देने का था, बस उनको जरिया मिल गया वीडियो के सेक्शन में कमेंट करने का। करते रहो, मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।